हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो सके। तो दोस्तों, बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, कंपनी ने अभी जून 2021 की अर्निंग्स रिवील करी है, जिसको Q1 बोला जाता है, और कंपनी ने 98 करोड़ के आसपास का लॉस दिया है, जो लॉस पहले क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी कम हुआ है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ये मेरा अनुमान है, और स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, राइट? तो मुझे लगता है पर्सनली ये दोस्तों होना तय था, और मुझे लगता है स्टॉक का प्राइस डेफिनेट सूनर और लेटर बाउंस बैक कर जाएगा। अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो जब तक ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, जो अभी आपको बताने वाला हूँ, राइट? अगर आपने भी स्टॉक को होल्ड किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, और कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट पक्का कर देना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है 70% के आसपास या 60% से ज़्यादा का स्टेक इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का है, और जब से ये न्यूज़ आई थी स्टॉक का प्राइस लगातार रॉकेट हो रहा है। अगर बात करता हूँ मार्केट कैप की, तो 12,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। प्राइस आप देख चेक कर सकते हो 25 रुपये के आसपास का है, और 44 रुपये का स्टॉक ने अभी हाई लगाया था, राइट? आपने बुक वैल्यू से नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक सिर्फ न्यूज़ के बेसिस में ऊपर गया था, ना कि प्रॉफिट के बेसिस में। कंपनी के प्रॉफिट अभी वैसे ही है जैसे पहले होते थे, लेकिन हाँ, जो लॉस है वो थोड़ा कम हुआ है एज कंपैरिजन लास्ट ईयर के। अगर बात करते हैं कंपनी के और बारे में, दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये नहीं कंपनी प्रॉफिट में आएगी, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो लास्ट लॉस हुआ था उससे कम लॉस देगी। इसका मतलब एक अच्छी बात है भैया, अगर एक कंपनी पहले 500 करोड़ का लॉस देती थी, आज अगर 100 करोड़ का लॉस दे पा रही है, इसका मतलब कंपनी ने 400 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया लॉस से कट करके, समझ पा रहे हो? काफ़ी बड़ी बात होती है ये, ठीक है? अगर बात करता हूँ क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स है, जून में कंपनी की सेल्स थोड़ी कम हुई है, 1264 करोड़ के आसपास की सेल्स हमें देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी ने 98 करोड़ का लॉस दिया है माइनस का, ठीक है? 98 करोड़ का लॉस दिया है माइनस में, जो पहले 500 करोड़ का लॉस था लास्ट क्वार्टर में। इसका मतलब कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना लॉस कम किया है। और अगर आप बात करते हो अर्निंग पर शेयर, तो पहले 1 रुपये माइनस में था, आज मात्र 20 पैसे माइनस में रह गया। इसका मतलब कंपनी स्लोली स्लोली अपने जो लॉस है उसको कम करने का प्रयास कर रही है, ठीक है? अगर बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 10 साल की, मतलब ईयरली बेसिस में कंपनी का कामकाज कैसा है, तो आप देख सकते हो कंपनी के जो करंट TTM में सेल्स है 4753 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती है। और FY21 तो आप देख सकते हो कंपनी का जो FY20 में प्रॉफिट था वो 118 मैं बात कर रहा सेल्स की, तो दोस्तों आप देख सकते हो FY20 में कंपनी की सेल्स 3300 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो आप क्लियरली देख सकते हो करंट ईयर में कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुकी है। मतलब जब से रिलायंस ने इसको एक्वायर किया है, रिलायंस ने इसको बाय किया है, तो लास्ट ईयर कंपनी लॉस मेकिंग थी, 5,500 करोड़ से ऊपर का लॉस था, लेकिन आज 4,500 करोड़ के आसपास का कंपनी प्रॉफिट दे पा रही है। तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है आफ्टर जब रिलायंस ने इसको एक्वायर कर लिया है, राइट? अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट इसकी अभी नेगेटिव रिजर्व दिखेगा, साथ में जो लोन है वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे करके, राइट? अगर बात करता हूँ कैश फ्लो की, तो दोस्तों आप देख सकते हो -203 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करता हूँ शेयरहोल्डिंग पैटर्न की, तो 75% के आसपास का स्टेक आपको दिखेगा प्रमोटर्स का, जिसमें हमारा जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका जो पार्टिसिपेशन है उसका ज़्यादा है। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री 40% के आसपास का स्टेक रिलायंस का हमें देखने को मिल सकता है। पब्लिक की होल्डिंग 22% के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी लगातार लॉस दे रही है, लेकिन जो लॉस है वो नॉमिनल है। पहले 400 करोड़ का लॉस था, आज 98 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब कंपनी स्लोली स्लोली करके अपने लॉस कम कर रही है। फ्यूचर में अगर कंपनी समाओ क्वार्टरली बेसिस में प्रॉफिट देना स्टार्ट करती है, जो आज करती है, तो अगर तो जो अभी का जो प्राइस आपको दिख रहा है 25 रुपये, वो 25 रुपये ना होके 50 रुपये भी हो सकता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, कि हमें स्टॉक के प्राइस में क्या नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जब से कंपनी के रिजल्ट आउट हुए, कंपनी का प्राइस, स्टॉक का प्राइस लगातार आपका गिरने में लगा। लास्ट 5 डेज में 10% की गिरावट स्टॉक में दर्ज की गई है, राइट? अगर बात करते हैं मैक्स चार्ट की, तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक लगातार लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। मतलब जो उसके जो लोज है लगातार ब्रेक हो रहे हैं, राइट? अगर बात करते हैं मैक्स चार्ट की, तो आप देख सकते हो स्टॉक में एक अच्छा खासा पंप आया था यहाँ पर, और स्टॉक लगातार एक
रेंज में ट्रेड अभी कर रहा है। तो अगर बात करता हूँ, अगर स्टॉक ने अगर आपने स्टॉक को अभी बाय किया हाल फिलहाल के दिनों में, तो आप स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आई थिंक ये जो स्टॉप लॉस है राइट दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ये रहा, अगर ये स्टॉक 20 रुपये नीचे जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो लास्ट स्विंग लगाया है, वही आपका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रहना चाहिए राइट। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस आप 20 रुपये के नीचे स्टॉक में लगा सकते हो। अगर 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकती हो और स्टॉक को एकुमुलेट कर सकती हो। और मुझे लगता है 22 रुपये, 23 रुपये और 24 रुपये के आसपास स्टॉक सपोर्ट डेफिनेटली ले सकता है। वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में बड़ी तेजी आ सकती है। जो स्टॉक का लास्ट स्विंग है जो निकल के आता है ये रहा 31 रुपये के आसपास, डेफिनेटली इसके ऊपर क्लोज करने के बाद आपको काफ़ी बड़े टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे हिसाब से आलोक इंडस्ट्री के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बस हाँ दिक्कत क्या है, कंपनी लॉस दे रही है। अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस काफ़ी पंप हो सकता है। लेकिन हाँ एक बात बोलूँगा, अगर 20 रुपये के नीचे जाता है तो आप स्टॉक में एग्जिट करने का सोच सकते हो। ठीक है, तो इस बात को पक्का ध्यान रखना और गौर करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।